कैसी हो अनीता? ठीक हूँ। तुम्हें आज मालूम है अनीता कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज 8 मार्च है। हाँ जी। तो आज के दिवस पे तुम हम लोगों से क्या कहना चाहती हो? कुछ ऐसा तुमने अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा काम किया हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से काम करती हो और बहुत अच्छे अच्छे काम करती हो, लेकिन कुछ ऐसा हाल फिलहाल में ऐसा कुछ किया है जो तुम यहाँ हम लोगों को बताना चाहो? हाँ जी। 2-3 दिन पहले की बात है। एक्चुअली मेरी सेकंड बेटी है ना, उसका रिश्ता आया था। उसने खुद मतलब रिश्ता खुद लड़का पसंद किया है, तो मैं अपने हस्बैंड से सब रिश्ते देखने के लिए जा रहे थे। तो मैंने विवाह दीदी से मैंने बताया, जैसे जैसे मेरी फैमिली में सब जा रहे हैं, तो विवाह दीदी ने कहा आप नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं, हम लोग के फैमिली में लेडीज़ नहीं जाती। तो दीदी बोली ऐसा कैसे, आप जाके देखिए, आप भी जाइए। तो मैं गई घर पे, अपने फैमिली से कहा मैं भी चलूँगी। तो उन लोगों ने बोले नहीं, हम लोग में परंपरा है लेडीज़ नहीं जाती है। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तो मैं गई, तो वहाँ पे सब मतलब बात रखा गया, जो लड़की के सब चीज़ बताई मैंने। फिर उन्होंने कहा हमें दहेज चाहिए, सोना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इतना चीज़ इतना क्यों मांग रहे हो? तो बोल रहे थे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, ग्रेजुएट है मेरा बेटा, मेरा इतना बेटा सैलरी का है मेरे बेटे का। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने भी तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है, मेरी बेटी भी कमा लेती है अच्छा, तो आप हमें क्या दोगे? तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, आपकी बेटी भले पढ़ी लिखी है, परे सदियों से रीति रिवाज है, जो हम लोग में लड़की भी देते हैं दान दहेज भी देते हैं। तो मैंने कहा मैं ये रूल तोड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को मैं अपनी खुशी से जो मेरी हैसियत है मैं सब दूंगी, पर आपके बोलने से नहीं दूंगी। और मेरी बेटी भी जिस आगे जॉब करेगी, कोई अच्छी पोजीशन पे जाएगी, तो उसका पूरा सैलरी मेरे अकाउंट में आएगा। तब लड़के वाले चुप हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो मर्जी जो इच्छा, आप बेटी को ऐसे ही मेरे घर पे विदा कर दीजिए। उन लोग मान गए, दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए अब बोले। तो क्या तुम्हारी बेटी ने भी कुछ बोला था कि? हाँ, मेरी बेटी बोली थी मम्मा आप जाओगे अगर उन लोग दहेज की बात करेंगे तो आप रिश्ता तोड़ दीजिएगा, मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहाँ दहेज मांगे, क्योंकि दहेज देना आप अभी आप दे दोगे फिर मुझे टॉर्चर करेंगे, फिर आपको बोलेंगे दो, तो मुझे ऐसे घर में शादी नहीं तो करनी। बेटी ने ये नहीं कहा कि हालांकि लड़का मेरी पसंद का है, लेकिन अगर ये रिश्ता बाई चांस दहेज के नाम पर टूटता है तो मुझे दुख होगा या मुझे कुछ ये होगा, दिक्कत होगी, ऐसा भी उसने कुछ बोला था क्या? नहीं बोली नहीं, लड़का मुझे पसंद है तो दहेज क्यों? अगर मुझे अच्छा, पसंद तो लड़का बिना दहेज के ही मुझे अपना सकता है ना। बिल्कुल। तो तुम ये बताओ, अब जब तुम उसके बाद यहाँ से लौट करके आई लड़के वाले के यहाँ से, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी फैमिली लोग भी बोले अनीता आपने बहुत अच्छा काम किया, अब हम लोग भी जा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग में लेडीज़ कहीं जाती नहीं है। तो मैंने सबसे कहा लेडीज़ सब चीज़ में आगे हैं, हम लोग ऐसे घर में छुपे रहेंगे नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा, हम लोग को निकलना चाहिए और बोलना चाहिए, लेडीज़ का भी हक है ना बोलने का, लेडीज़ क्या नहीं कर सकती? तो सब खुश हो गए। हाँ, अच्छा ये बताओ कि जेंट्स क्या नहीं कर सकता है? लेडीज तो सब कुछ कर सकती है, जेंट्स क्या नहीं कर सकता है? जेंट्स बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, सही है, लेकिन लेडीज दे दे सकती है। सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चा ही नहीं पैदा करेगी तो ये बच्चे को दान दहेज कहाँ कहाँ से से मिलेगी? मिलेगा और हाँ कहाँ से देने की बात? हाँ तो ये सारे जेंट्स को समझना चाहिए। तो तुम आज के दिन क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जो औरत का सम्मान करे, औरत मतलब एक बोलते हैं ना, औरत नहीं रहेगी तो दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती, औरत के बिना ही, औरत के औरत बोलो बोलो, कोई बात नहीं। औरत के बिना और दुनिया आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ सकती। सकती, हाँ सब चीज़ में औरत का हाथ पहले ही चाहिए, क्योंकि एक मर्द को भी आगे हौसला देने के लिए एक औरत ही होती है। चलो, थैंक यू अनीता, बहुत अच्छे से तुमने बात की है और लोगों को बताया है कि हाँ आज के समय में इस महिला दिवस पे कम से कम हम ये तय कर लें कि हम अपनी बेटियों
का सौदा नहीं करेंगे, हम बेटियों को दहेज दे करके उसका ब्याह नहीं करेंगे, उसको पढ़ा लिखा करके इस हैसियत से बनाएंगे कि वो अपना रास्ता खुद तय कर सकती है। थैंक यू अनीता।